हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूं आप सब मजे में होंगे। तो गाइस फाइनली आज है मकर संक्रांति और पीछे गाने वगैरह चल रहे हैं, देखते हैं कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा, होप करते हैं ना ही आए। तो गाइस आज है मकर संक्रांति और अभी टाइम हो रहा है 11-12 बजे के आसपास, तो थोड़ा मैं लेट छत पे आया क्योंकि सुबह हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अभी बड़ी मुश्किल से हवा चली है, लेकिन हवा ऐसी चल रही है, कभी चल रही है कभी बंद हो जा रही है, कभी चल रही है कभी बंद हो जा रही है। तो गाइस इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मतलब जितना एक्साइटेड और हाइप था ना मैं पतंग उड़ाने के लिए, सारा खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और इस बार हवा ना चलने की वजह से मामला काफ़ी हल्का है, आप लोग पीछे देख सकते हो। बाकी मैं सिनेमेटिक्स आपको शो करूँगा अभी, उसमें आप देखना कि पतंगें काफ़ी कम उड़ रही हैं, मतलब बहुत कम है। पिछली बार की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें भी उड़ रही थी, लेकिन बहुत थी लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, इस बार बहुत कम है। तो गाइस होप करेंगे आपको पूरा एंटरटेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे काटेंगे। और हाँ, जो भी मेरे भाई लोग बोल रहे थे कि जयपुर का मोर बना देना, भाई मोर बना देंगे। तो स्टे ट्यून। तो गाइस हमारे साथ ड्रॉप आउट शेफ, हाँ भाई कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है क्या भाई, कैसा लग रहा है? देखो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा भाई, हवा चल नहीं चल रही, बैटल हमें करनी थी वो पेंडिंग है। पेंडिंग है बिल्कुल, तो फटाफट हवा चलने का वेट करते हैं, ट्रिप वेस्ट हो जाएगा हमारा आना। अगर हवा नहीं चली ना आज, तो हम कल भी रुक जाएंगे, आज नहीं फिर कल उड़ाएंगे, उड़ा के जाएंगे। तो फटाफट मैं आपको एक बार अपनी पतंग दिखा दूँ। ये कुछ साइज में लेकर आया था पतंगों का, ये वाली जो पतंग है ये तो मैं मछले, ये वाले मछले तो मैं दिल्ली से लेकर आया था और ये हमने अभी परचेस किए थे, बाकी यही पतंग है अभी। तो गाइस बड़ी मुश्किल से हवा चल रही है, तो ये वाली पतंग कट के आई है, तो हमारा कन्ने बांधने का काम आसान हो गया, बंदे बंदाई मिल गए। तो फटाफट इसको उसके कन्ने गुलदे। So guys, आपने देखा होगा इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, किसी की पतंग के कन्ने गुलदे। पतंगे मैंने सोचा काट दूंगा बट कोई नहीं, वो खींच हमारी थोड़ी वर्क नहीं कर पाई। फाइनली हवा काफी अच्छी चल रही है, तो हमने अपनी बड़ी मछली निकाल ली है, इसको उड़ाते हैं हवा में, देखते हैं कितनी काट पाते हैं। हवा में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो जैसे कि हवा सही चल रही है, मतलब काफी है। दिल्ली में ऐसी हवा चलती थी, बस हमारा हवा में कभी खड़ी हो जाती है, तो काफी मेहनत लग रही है सुबह से हम पहुंचने वाले जा रहे हैं, पर कोई नहीं, मजा काफी आ रहा है। वो गाइस ये जो पतंग है ना, ये सिर्फ डिजाइन के लिए है, आप बिल्कुल टेक्निक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पतंग जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है, यानी कि जहाँ हम ले जाना चाहते हैं आ जाएगी, ये अपनी मर्जी से हो जाएगी। वैसे तो मारो वजन में हैट्रिक हो गई, हैट्रिक हो गई यार, तो मोर बनाएंगे उसको देखते जाओ। एक तो मेरी जो पतंग है ना वो काफी बड़ी और मतलब घूम रही है, तो जहां मैं जा रहा हूँ इधर उधर जा नहीं रही है, बट
और पतंगे भी आगे कम है, तो हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पीछे काटने की। तो गाइस कंटिन्यू, गाइस वहाँ पे काफ़ी सारे पीछे करने के लिए आते हैं लोग, पीछे लगे हैं और हमारी गई, तो इन्होंने हमारे चाचा ने हमारी काट दी। तो देखो वो खड़े, उन्होंने आपस में हफ्ते से पीछे लगा दिए, बोल देता काटी क्यों पूछ ले, ठंड कोई नहीं, अब इनका मोर मनाते हैं। नेक्स्ट पतंग में कन्ने मान लिए, जैसे कि देख सकते हो स्काई ब्लू कर रहा है, बहुत प्यारा लगा था मुझे, मैं लिया था, और अब इसको उड़ाते हैं और कोशिश करेंगे इसे लंबा करने की। इधर ले गया गाइस, हवा काफी अच्छी चल रही है और काफी मजा आ रहा है। जितने जयपुर के ऑडियंस है उनको तो भाई पता ही होगा जनवरी के टाइम पे कैसी रहती है हवा, तो फिर भी जितना इतना टाइम मिल रहा है, जितनी देर हवा चल रही है हम कोशिश कर रहे हैं भाई उड़ाने का, ये फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। फटाफट पतंग ऊपर लेकर जाता हूँ ताकि पतंग में थोड़ा भजन आ जाए। दिल्ली में क्या सीन है जो मैंने नोटिस किया, दिल्ली में ना ढील के पीछे बहुत लगते हैं, यहाँ ढील के पीछे नहीं है, यहाँ एक सेकेंड में खैच मारते हैं और हिसाब बराबर, मतलब यहाँ मेरे लिए फायदा है। तो गाइस कोई बात नहीं, हमारी पतंग कट चुकी है, दोबारा एक बनाते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हम। सो गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं वीडियो में क्यों नहीं आया, क्यों हमारी बैटल नहीं हुई, सबसे तो कटवा रहा है, क्या बैटल करवाऊं उससे, क्या बैटल होगी भाई, अब काटेगा कितनी बोल के काटेंगे इस बार, पांच पक्का, चल पांच तू काटेगा पांच मैं काटता हूँ, देखते पहले पांच कौन काटेगा। और वो काट दी मैंने ऊपर वाला बिंदा, अब कटिंग स्टार्ट हो गई, पहला पांच बोले थे ना पहला, दो काट दी, दो कट गई, हैट्रिक होने वाली थी लेकिन कट गई हमारी। एक और पतंग उड़ाते हैं फिर देखते हैं, अभी हमारी नई पतंग आ रखी है, अब वो वाली उड़ाएंगे क्योंकि हवा यहाँ की ना बड़ी पतंग के हिसाब की नहीं है, हमारी दो बार हैट्रिक हो चुकी है ऑलरेडी। तो गाइस अभी क्या नाम है, वो जो बड़ी पतंग थी वो उड़ नहीं पा रही थी, कभी हवा तेज थी कभी स्लो जा रही थी, तो मज़ा नहीं आता, तो हमने छोटा सा घुमाया, देख सकते हो यहाँ पे ना जयपुर में क्या सीन है ना, 20 पतंगों का पैकेट मिलता है और वही 150, 250, 200 अलग अलग रेट्स हैं, पर 20 पतंग कैसे पैकेट मिलता है, दिल्ली में ऐसा हिसाब नहीं है, दिल्ली में मेनली खुली मिलती है पतंग, तो फटाफट इसमें कन्ने बांध के इसको पतंग का कलर देखो कितना प्यारा लगता है, एकदम नेक्स्ट लेवल है। काफ़ी सही कलर है, इसमें फटाफट कन्ने बांधते हैं और जो हम लास्ट टाइम पूरा नहीं कर पाए थे पांच पतंग हैं इस बार काटेंगे। तो फाइनली कितनी सारी पतंगें आ चुकी हैं आसमान में, ये जो साइज है ना ये परफेक्ट है यहाँ की हवा के लिए, बड़ी पतंग यहाँ उड़ ही नहीं सकती, यहाँ पर हवा कभी चलती है कभी नहीं, बड़ी पतंग के लिए कॉन्स्टेंट बढ़िया हवा है, बाकी इससे पीछे करते हैं कैच, अरे बगल में तेरी पतंग आ रही है, फटाफट पतंग पेपर ऊपर ले जाए हवा में, ये सब पतंग को हवा में टिका दें, उसके बाद चक्के चला दें, और ये हमारे भैया के पीछे लग रहे हैं, भैया के वो ब्लू वाली पतंग भी हमारी छत से उड़ रही है, और देखते हैं अभी किसकी कटेगी, रेड वाली से पीछे लगे हैं, और ये गाड़ दी।
फिर नहीं हो पाई। तो गाइस काफी मजा आ रहा है पतंग उड़ाने में, क्योंकि हवा जो है ना बहुत मस्त चलने लग गई है। हवा बिल्कुल मतलब पता कैसे होता हो, पतंग हवा में जाके खड़ी हो जा रही है, ऐसी हवा है। वाली हमने पतंग ये साइज की मंगा ली है और काफी बढ़िया पतंग है दोनों के लिए। इसको हम अब हमने नीचे पेचे नहीं करेंगे, हम ऊपर ले जाते हैं थोड़ा पतंग को और ऊंचा ले जाते हैं, उसके बाद पेचे करेंगे। तो गाइस भाई बच चुके हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पतंग उड़ाने में, काफ़ी उड़ने लग गई इस समय तो, क्योंकि हवा चलने लग गई है। और उस तरफ अपना गौरव खड़ा है, वो भी पतंग उड़ा रहा है, क्या करके लूट रहा है, यूज कर रहा है। बाकी कौन सी वाली ये छरछरी उड़ाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं पीछे काट के। तो गाइस देख सकते हो चारों तरफ गाने बज रहे हैं और काफ़ी सही माहौल हो रखा है, हर कोई छत पर चढ़ा हुआ है। ये देख सकते हो काफ़ी पतंगें आ चुकी हैं आसमान में, और ये अपनी छत से भी दो पतंगें उड़ रही हैं, और ये देखो काफ़ी सारी पतंगें उड़ गई हैं। ये देखो एक कट के जा रही है, काफ़ी क्रेज है यहाँ के बंदों को भी। और ये हमारी हमारी छत वाली पतंग के पीछे लड़ रहे हैं, ये पर्पल वाली जो ऊपर को है ये हमारी है। तो गौरव की पतंग उड़ गई है, और वो जो रेड और ब्लैक कलर की है वो वाली गौरव की है, शायद गौरव पीछे करेगा। रेड ब्लैक हमारी है। गाइस अभी अभी ये वाली पतंगे लेकर आए थे हम, पैटर्न देख सकते हो कितने प्यारे हैं, और बाकी अपनी सारी वो पतंगें पड़ी हुई हैं। और इधर गौरव पी नहीं खाते हुए, मज़ा आ रहा है, एक नंबर आ रहे स्वाद। तो गाइस फटाफट कन्ने बांधते हैं और दिखाते हैं फिर भोकाल। मान में भोकाल मचाने को फिर से तैयार हो चुका है गौरव, और सेम कलर की पतंग लाया हूं दोबारा। और ये देख खैचम खैच खैचम खैच, और ये देखो ये कलाइयों की नजाकत दिखाते हुए। कट गई, और गौरव मोर बनाने निकले थे, इन्हीं का मोर बन गया। दिन होता है दिन, हाँ कोई नहीं, उसका अच्छा मंजा होगा, उसकी खीर अच्छी होगी। हाँ दे वो ऐसे ही होता है जब कट जाता है, कोई नहीं। सो गाइस जैसा आप सबको पता है कन्ने बांधने में उतने माहिर नहीं है, तो हमारे रियो सर बांध देंगे। आलस आ रहा है या थक गए हम, स्टार्ट है गाइस। तूफानी पतंग बाजा खूनी पतंग बाजा बन जाएगा अगर ये मौत की पतंग चल गई तो। लाल पतंग ला रखे हम अब आसमान में, भगवान में जाएंगे, फटाफट इसको उड़ा के दिखाते हैं। और ये हमारे पतंग, और मैं उतर रहा था इतने में किसी ने काट दी पतंग, उसमें जो कन्ने बंदे बनाए मिलते हैं उसका स्वाद तो कुछ और है, चाहे तुम 1.5-2 हजार की पतंग ले लो, जो कन्ने बंदी भी आती है ना उसका स्वाद अलग है। फटाफट इसको उड़ाते हैं और ट्राई करेंगे इससे तो भगवान मचा दे। वाइस पतंग बड़ी देर बाद यार लोग बंदे उड़ाते काट दे रहे हैं, जी ध्यान भटक रहे हैं, हमें लोग पतंग काट दे रहे हैं। हमें फटाफट मुश्किल करी है, मैंने पतंग बड़ी मुश्किल से बचा बचा के। तो अब गाइस अब फाइनली हम पिक्चर करने वाले हैं, देखो ब्लैक, और ये हमारी कट गई।
तो गाइस पेचे बहुत गलत डायरेक्शन में लग गए थे। तो गाइस अगेन हमारा दूसरा मछला उड़ने पर तैयार है, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मैंने सोचा चलो बड़ी उड़ा लें, फिर क्या पता हवा बंद हो जाए।